हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पना शाह है और यू कैन रीड मोर अबाउट मी हेयर. आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके निकनेम्स के विषय में पढ़ेंगे. सारे एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से आता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में भी आ सकता है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट अस बिगिन. तो सबसे पहला आता है हमारा पिंक सिटी जयपुर. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जयपुर को राजस्थान की कैपिटल कौन से वर्ष में बनाया गया था. ये आपका पहला प्रश्न है. तो जयपुर के विषय में और पढ़ते हैं. इसको हेरिटेज सिटी कहते हैं, काफ़ी सारे महल हैं. दूसरा, इसको रत्न नगरी कहते हैं. रत्न मतलब होता है जेम्स, खाने वाले जेम्स नहीं, जो स्टोन आता है जेम्स वो. तो रत्न नगरी कहते हैं. यहाँ पे रत्न की या आप कह सकते हैं जेम्स की मंडी भी है यहाँ पे. इसको पन्ना नगरी भी कहते हैं. पन्ना भी एक प्रकार का रत्न होता है. इसको पूर्व के पेरिस के उपनाम से भी जाना जाता है. इसको पिंक सिटी कहा जाता है. इसको वैभव का द्वीप भी, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ है RPSC ने. इसको वैभव का द्वीप भी कहते हैं. वैभव का अंग्रेजी में मतलब होता है ग्लोरी. इसका जो भौगोलिक उपनाम है वो है ढूंढाल. ठीक है, तो जयपुर के विषय में आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ये सारे इसके निकनेम्स हैं. सेकंड आता है हमारा जैसलमेर. देखो जैसलमेर जो है उसको स्वर्ण नगरी भी कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सोने की अधिक मात्रा है. यहाँ की मिट्टी जो है वो सोने की तरह चमकती है, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी भी कहते हैं. इसको हवेलियों का नगर भी कहा जाता है. और यहाँ पे जो मार्बल है ना वो भी येलो कलर का पाया जाता है. मार्बल एंड एक कार्बन का फॉर्म होता है ग्रेनाइट, दोनों जो हैं येलो कलर के पाए जाते हैं. ठीक है, इसको झरोखों की नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्बल होता है ना उससे जाली बनाई जाती है, इसलिए इसको झरोखों की नगरी भी कहते हैं. इसको म्यूजियम सिटी भी कहते हैं. इसको रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं और राजस्थान का अंडमान कहते हैं. ये पूछा हुआ है RPSC ने. तो राजस्थान का अंडमान किसको कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, म्यूजियम सिटी कहते हैं, जरोखों की नगरी, हवेलियों का नगर, स्वर्ण नगरी, यहाँ पे मार्बल एंड ग्रेनाइट दोनों पीले कलर का पाया जाता है. और इसको पंखों की नगरी भी कहते हैं. ये छूट गया था, इसको पंखों की नगरी भी कहते हैं. ओके, तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे आपके जैसलमेर के विषय में. अब आते हैं उदयपुर पे. उदयपुर जो है उसको राजस्थान का कश्मीर कहते हैं. बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. इसको सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं. पूर्व का वेनिस कहते हैं. जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते थे, इसको वेनिस कहते हैं. ओके, ये वेनिस पूछे तो उदयपुर, और अगर पेरिस पूछे तो क्या है, जयपुर. तो दोनों पेरिस एंड वेनिस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. देखो कैसे याद रख सकते हैं, पेरिस भी कैपिटल है फ्रांस की, ठीक है, और जयपुर भी कैपिटल है राजस्थान की. ओके, इससे याद रहेगा. और वेनिस क्या है, वेनिस एक ब्यूटीफुल प्लेस है इटली के अंदर, और इटली की कैपिटल क्या है, रोम है. रोम को सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहते हैं. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो अगर पेरिस पूछे, पेरिस खुद एक राजधानी है, जयपुर खुद एक राजधानी है, तो जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं और पूर्व का वेनिस जो है वो अपन किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं. और वेनिस एक जगह है इटली के अंदर, और इटली की जो राजधानी है वो रोम है. ओके, झीलों की नगरी, ये तो सबको पता होगा, काफ़ी सारी झीलें हैं, बहुत ब्यूटीफुल झील हैं, तो इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है. इसको ये पूछा हुआ है, फाउंटेन व माउंटेन का शहर किसको कहते हैं, तो वो है उदयपुर. उदयपुर की जो रेड कलर में मैंने दिखा रखा है, ये उदयपुर की लोकेशन है. और वैसे भी मैंने अपने कई सारे वीडियो में मैप्स को लेके काफ़ी आप पे ध्यान दिया है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी RPSC आजकल पूछने लगी है. तो यदि आपकी
मैप्स पे पकड़ अच्छी होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर ये आता है अजमेर। अजमेर के विषय में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और ये वापस उसका रिपीटेड वर्जन है। तो अजमेर को हार्ट ऑफ राजस्थान कहते हैं क्योंकि बीचों बीच आता है ये। अजमेर और चित्तौड़गढ़ दो ऐसे ज़िले हैं जो ख़त्म होने के बाद दोबारा शुरू होते हैं। ये चित्तौड़गढ़ है, ये अजमेर है, ठीक है। अजमेर को राजस्थान का नाका कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, राजपूताने की कुंजी कहते हैं, अंडे की टोकरी कहते हैं, और अजमेर ये है। अब इसका जो शेप है वो बिल्कुल ट्रायंगल की तरह दिखता है। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुजाकार कहते हैं। तो आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो त्रिभुजाकार है, तो वो कौन सा है? अजमेर है। आई बात समझ में? चल देखिए, अब हम आते हैं कोटा पे। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं, शैक्षणिक नगरी कहते हैं, औद्योगिक नगरी कहते हैं, उद्यानों का नगर कहते हैं, इंद्रप्रस्थ नगर भी कहते हैं। इसको शिक्षा का तीर्थ भी कहा जाता है। आपको पता होगा कोटा तो एजुकेशन के लिए फेमस है, तो इसको शिक्षा का तीर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्पफुल रहेंगी और वैसे भी ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं, देखिए डूंगरपुर जो है उसको कहते हैं पहाड़ों की नगरी, ठीक है। डूंगरपुर को कहते हैं पहाड़ों की नगरी। बांसवाड़ा को कहते हैं स्वद्वीपों का समूह। और अगर ये पूछे कि राजस्थान का अंडमान किसको कहते हैं, अगर अंडमान पूछे तो आपको करना है जैसलमेर। और यदि आपसे स्वद्वीपों का शहर पूछे तो वो आएगा बांसवाड़ा। और आपको पता होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आज का आपका दूसरा प्रश्न हो गया कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। फिर आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ तो मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाया है और इसकी चार सीरीज और मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। चित्तौड़गढ़ के विषय में आप मेरे वीडियो में पढ़ सकते हैं, मैंने बनाया है इस पर। इसको चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्यों कहते हैं। अब इस पर मैं ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करूँगी। ओके, ये सारे वन वन लाइन के थे। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी, स्वद्वीपों का शहर बांसवाड़ा, अंडमान कहते हैं जैसलमेर को, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, झालावाड़ है राजस्थान का, नागपुर। अब नागपुर इंडिया में एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वो फेमस है ऑरेंजेस के लिए। वैसे ही राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ऑरेंजेस पाए जाते हैं ज़्यादा, तो वो है झालावाड़। तो झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान का नागपुर। ओके, ये इम्पॉर्टेंट था। फिर हम आते हैं अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे। बीकानेर को कहते हैं ऊन का घर। ओके, बीकानेर को कहते हैं ऊन का घर क्योंकि शिप पाए जाते होंगे और शिप से आपको पता है ऊन बनती है इसीलिए। फिर इसको राती घाटी के उपनाम से भी जाना जाता है। ये दो नाम बीकानेर के काफ़ी फेमस हैं। फिर भीलवाड़ा को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी या मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। ओके, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है? गुजरात को। मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान पूछें तो भीलवाड़ा, और मैनचेस्टर ऑफ वर्ल्ड किसको कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मैनचेस्टर ऑफ वर्ल्ड किसको कहते हैं, ये आज का आपका तीसरा प्रश्न हो गया। ओके, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी या मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहते हैं। ये देखो इन चीज़ों की विशेषता हो गई कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल के लिए फेमस है, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, और एक टेक्सटाइल की जो यूनिवर्सिटी है वो भी भीलवाड़ा में है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछें तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेक्सटाइल की यूनिवर्सिटी राजस्थान में किस जगह है, आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल के लिए फेमस है। तो आपको अगर ये भी याद है तब भी आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अलवर जो है उसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। ओके, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं।
और यदि आपसे पूछे आधुनिक मैनचेस्टर किसको कहते हैं तो वो भी अलवर को ही कहते हैं। देखिए मैनचेस्टर मैनचेस्टर से कंफ्यूज ना हो, इंडिया पूछे तो गुजरात, राजस्थान पूछे तो भीलवाड़ा, लेकिन आधुनिक मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान पूछे तो वो है अलवर, ठीक है। और अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। अलवर की पोजीशन देखो ये रही, इसको राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं, ठीक है। ये बीकानेर है, ये भीलवाड़ा है, ठीक है। होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं दूसरे अन्य उपनाम। टोंक को कहते हैं नवाबों का शहर। टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। और टोंक एक अकेली ऐसी जगह है जहाँ बकर ईद के दिन भी ऊंट की बलि दी जाती है। टोंक एक अकेली ऐसी जगह है पूरे इंडिया के अंदर आई गेस जहाँ पे बकर ईद के दिन ऊंट की बलि दी जाती है। हालांकि अब ये नहीं होता है क्योंकि ऊंट को स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हो चुके हैं। पर ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ऊंट की बलि दी जाती थी, ठीक है। करौली, करौली को कहते हैं हम डांग की रानी। अब करौली कहाँ पे है? धौलपुर के नीचे। ये जो है वो क्या है? करौली है, ओके। धौलपुर को हम कहते हैं रेड डायमंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि धौलपुर में रेड कलर के डायमंड पाए जाते हैं, यहाँ पे जो है लाल कलर का पत्थर पाया जाता है, इसीलिए धौलपुर को कहते हैं रेड डायमंड। और इसको पूर्व राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अगर सिंह द्वार पूछे तो अलवर, और प्रवेश द्वार पूछे तो आपका क्या आंसर आएगा? धौलपुर। आई बात समझ में? धौलपुर के विषय में मैं और चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ लाल पत्थर पाया जाता है। तो जो राष्ट्रपति भवन है इंडिया का, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट हाउस, वो धौलपुर के पत्थर से बनाया गया है, धौलपुर के लाल पत्थर से। और यदि आपसे ये पूछे कि संसद भवन मतलब पार्लियामेंट हाउस, इसको सांसद भवन भी कहते हैं, तो वो बनाया गया है आपका करौली के पत्थर से। तो देखो लाल पत्थर दो जगह पाए जाते हैं, ये धौलपुर, ये है करौली। करौली को डांग की रानी कहते हैं, धौलपुर को रेड डायमंड कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, राष्ट्रपति भवन जो है वो धौलपुर के लाल पत्थर से बनाया गया है, जबकि पार्लियामेंट हाउस या सांसद भवन जो है वो करौली के लाल पत्थर से बनाया गया है। आप महल, जो ताजमहल का मार्बल है वो कहाँ से लाया गया था? तो ये आपका आज का चौथा प्रश्न है। ताजमहल का मार्बल कहाँ का था? ये आपको पता होना चाहिए, ताजमहल का मार्बल कौन सी जगह से लाया गया था, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर देखते हैं हम बूंदी को। बूंदी को कहते हैं द्वितीय काशी, ठीक है। और बूंदी को हम ऑब्वियसली सबको पता होगा बावड़ियों का शहर कहते हैं, बहुत सारी बावड़ियां हैं यहाँ पे, इसीलिए वाटर कंजर्वेशन की एक टेक्निक होती है। पावड़ियों का शहर जो है वो कहते हैं बूंदी को, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक होती है। पुराने ज़माने में महाराजा लोग अकाल से बचने के लिए ये सारे कंस्ट्रक्शन करवाते। और बावड़ियाँ इंडिया में प्रमुखतः चार जगह ही फेमस है, एक है दिल्ली, एक है राजस्थान, एक है गुजरात। ये प्रमुखतः तीन जगह बावड़ियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। भरतपुर, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। पहला प्रश्न था
पूर्वी राजस्थान का, देखो कंफ्यूज मत होना, यदि पूर्वी राजस्थान पूछे तो धौलपुर करना, और केवल राजस्थान पूछे तो भरतपुर करना। कंफ्यूजिंग है पर आपको याद होना चाहिए, पूर्वी पूछे तो धौलपुर और राजस्थान का पूछे तो भरतपुर, और यदि सिंहद्वार पूछे तो अलवर। आगे बात समझ में, मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा, आधुनिक मैनचेस्टर पूछे तो अलवर। वैसे झुंझुनू, देखो झुंझुनू के विषय में यही बात फेमस है कि सर्वाधिक तांबा पाया जाता है यहाँ पे, बहुत मात्रा में तांबा पाया जाता है, कि इसलिए इसको तांबा वाला ज़िला भी कह दिया गया है, ठीक है। और जालौर जो है उसके ग्रेनाइट बहुत फेमस है, इसलिए इसको ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। जालौर के ग्रेनाइट फेमस है इसलिए इसको ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। पहले था जैसलमेर, अब हम पढ़ रहे हैं जोधपुर। जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी, जबकि जैसलमेर को कहते थे हम स्वर्ण नगरी। जैसलमेर को स्वर्ण कहते हैं, जोधपुर को सूर्य कहते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, इसको मरु प्रदेश भी कहते हैं। आई बात समझ में, मरुस्थल का प्रवेश द्वार और मरु प्रदेश दोनों किसको कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर की लोकेशन देख लो, ये बीकानेर है, बीकानेर के नीचे ये वाला, ये जो है वो जोधपुर है। इसको से नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार और मरु प्रदेश कहते हैं। और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं बारा को कहते हैं वाराह नगरी, वराह नगरी। यदि वराह टेंपल पूछे तो वो है पुष्कर में, और अगर नगरी पूछे तो वो है बारा। बारा जो है वो कोटा के पास में पड़ता है। तो ये देखो, ये झालावाड़ है, ये बारा है, और ये जो है ये वाला पोर्शन, ये कोटा है। अगली बात समझ में, तो बारा को कहते हैं वराह नगरी, सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरु प्रदेश कहते हैं जोधपुर को। देखो राजस्थान का थर्मोपॉली जो है वो कहते हैं हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी कौन से में आती है, अरे राजसमंद में पास आती है। हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद के पास में पड़ता है, और राजसमंद में विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति यही है। काले संगमरमर के पत्थरों पे ये प्रशस्ति लिखी गई है, ठीक है। तो राजसमंद में जो है एक श्रीनाथ जी का टेंपल भी है, वो बहुत फेमस है। तो ये सारी विशेषताएं आप ध्यान रखें। मूर्तियों का शब्दकोश में चित्तौड़गढ़ पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। चित्तौड़गढ़ में एक जगह है जिसको कहते हैं विजय स्तंभ, ये महाराणा कुंभा ने बनवाया था 1448 में मालवा पे विजय के बाद में, और इन्होंने हराया था महमूद खिलजी को, हराया था किसने, महाराणा कुंभा ने। मूर्तियों का शब्दकोश किसको कहते हैं, विजय स्तंभ को कहते हैं। किसने बनवाया था, कुंभा ने बनवाया था। कुंभा ने क्यों बनवाया था, क्योंकि उन्होंने मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी उन पर विजय प्राप्त की थी, उसकी खुशी में उन्होंने ये बनवाया था। राजस्थान की अणु नगरी किसको कहते हैं, तो वो है रावतभाटा। रावतभाटा कौन सी जगह है, ध्यान रखना ये चित्तौड़गढ़ में है। कोई कोई लोग कोटा भी कहते हैं पर ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। तीर्थों का मामा या तीर्थराज, इसके विषय में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको कहते हैं पुष्कर को कहते हैं। सबसे पवित्र स्थल जो है वो भी पुष्कर है, लेकिन सबसे ज़्यादा पल्यूटेड झील भी यही है, ठीक है। और इसको कनाडा की हेल्प से साफ करवाया गया था 1997-1998 में। यहाँ पे गांधी घाट है, क्योंकि गांधी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी। गांधी घाट का पहले जो नाम था वो क्या था, आपको ये बताना है। ये आज का 5th प्रश्न है कि गांधी घाट का पहले नाम क्या था। कोंकण तीर्थ किसको कहते हैं, वो भी पुष्कर को ही कहते हैं। सॉल्ट सिटी, ये इम्पोर्टेंट है।
सॉल्ट सिटी कहते हैं सांभर को, ये सबको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है वो यहीं से होता है, सांभर झील जो है वो जयपुर में है। और ये याद नहीं रखना कि सांभर झील जयपुर में, सांभर झील जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 3 डिस्ट्रिक्ट में। वो कौन कौन से हैं यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। पर इसकी जो मैक्सिमम परसेंटेज का एरिया कवर है वो जयपुर में है, ओके। पर अगर आपको ऑप्शन में तीनों डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं तो आप तीनों पे टिक लगाना, नहीं दे रखा तो सिर्फ जयपुर पे लगाना टिक। देखो, राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? वो कहते हैं जसवंत थाड़ा को। जसवंत थाड़ा कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान का ताजमहल जो है वो जोधपुर में है। अब आपके लिए प्रश्न है, राजस्थान का मिनी ताजमहल किसको कहते हैं और दूसरा ताजमहल किसको कहते हैं? ठीक है, राजस्थान का मिनी ताजमहल या दूसरा ताजमहल किसको कहते हैं? राजस्थान का एलोरा किसको कहते हैं आपको बताऊंगा। एलोरा एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, एलोरा के गुफा के टेंपल काफ़ी फेमस हैं। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान का एलोरा किसको कहते हैं? तो वो है कोलवी की गुफाएं। ठीक है, कोलवी की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो आप आंसर देंगे झालावाड़। यदि आपसे ये पूछे कि राजस्थान का एलोरा कहाँ है तो कोलवी की गुफाएं, और कोलवी की गुफाएं कहाँ है तो वो है झालावाड़, ओके। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बरसात यहाँ पे होती है, और झालावाड़ जो है उसको राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑरेंजेस होती हैं। ठीक है, राजस्थान का शिमला किसको कहते हैं? शिमला की तरह ठंड पड़ती है, ये माउंट आबू में है। इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान का, यहाँ पे नक्की झील है। ठीक है, और माउंट आबू कहाँ पे आता है? सिरोही में आता है। आई बात समझ में? माउंट आबू जो है वो सिरोही में आता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट सिरोही के विषय में ये बताती हूँ, सिरोही क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको भाकर कहते हैं। सिरोही क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियों की श्रृंखला है उसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं हिमालय नगरी किसको कहते हैं, वो भी माउंट आबू को कहते हैं। ठीक है, हिमालय नगरी पूछे या राजस्थान का शिमला पूछे तो वो क्या है? माउंट आबू है। जल महलों की जो नगरी है, देखिए सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं वो तो उदयपुर में है, लेकिन जल महलों की नगरी जो है वो डीग को कहते हैं। डीग एक जगह है भरतपुर में। गुलाबों की नगरी, देखो गुलाबी नगर पूछे तो वो है जयपुर, पर गुलाबों की नगरी पूछे तो मैंने पुष्कर की वीडियो में कवर किया था, कर में है ये, पुष्कर आता है अजमेर के अंदर। अगर गुलाबी नगर पूछे तो जयपुर, पर गुलाबों की नगरी पूछे तो पुष्कर है। ये इम्पोर्टेंट है। मंकी वैली किसको कहते हैं? इस पे तो डिस्कवरी वालों ने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। मंकी वैली कहते हैं गलता जी। गलता जी कहाँ पे है? ये है जयपुर के अंदर। ठीक है, मंकी वैली कहते हैं गलता जी को। राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, जोधपुर के अंदर एक जगह है उसको कहते हैं ओसियां। जोधपुर के अंदर थार का घड़ा किसको कहते हैं? चांदन नलकूप को, उसको कहते हैं थार का घड़ा। ये है जैसलमेर में। घंटियों का नगर कहते हैं झालरा पाटन को। घंटियों का नगर आपसे पूछे तो वो आएगा झालरा पाटन को। झालरा पाटन जगह है झालावाड़ के अंदर। आई बात समझ में? ये समझ में आया होगा आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
राजस्थान का राजकोट किसको कहते हैं? राजकोट भी एक इंडिया में राजकोट एक जगह है गुजरात के अंदर जो मूंगफलियों के लिए फेमस है, वैसे ही राजस्थान का राजकोट किसको कहते हैं? लूणकरण सर को। लूणकरण सर कहाँ पे आता है? ये है बीकानेर के अंदर। अगर आपसे लूणकरण सर झील भी पूछे तो लूणकरण सर नाम से ही आप बता दोगे कि बीकानेर में है। आई बात समझ में? एक लूणकरण सर झील भी है जो कि बीकानेर के अंदर है। फिर श्रीमाल किसको कहते हैं? श्रीमाल कहते हैं बाड़मेर को। फिर आपसे पूछेंगे श्रीपंत नगर किसको कहते हैं, तो वो है बयाना। बयाना कौन सी जगह आता है? बयाना आता है भरतपुर में। गोपाल पाल किसको कहते हैं? करौली को कहते हैं। हाड़ौती आपको पता होगा, हाड़ौती प्रदेश वैसे बूंदी वाला इलाका होता है, कोटा व बूंदी को कहते हैं। करौली को आपको पता होगा डांग की रानी भी कहते हैं। तो पूछे अयोध्या किसको कहते हैं, तो ये है गंगानगर। और गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं। ओके, ब्रिजनगर किसको कहते हैं? ब्रिजनगर भी कहते हैं झालरा पाटन को। झालरा पाटन जगह है झालवाड़ के अंदर और इसको घंटियों का शहर भी कहते हैं। और इसको और क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मेरू आपको पता होगा, मैं बता चुकी हूँ, अजमेर को कहते हैं। अबुर्द प्रदेश या अबुर्द देश कहते हैं सिरोही को। सिरोही को हिमालय का नगर और ये सब नाम से जाना जाता है। राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू सिरोही के अंदर है। सिरोही में जो पहाड़ियों की श्रृंखला है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, वो भी मैंने बताया। अहिछत्रपुर, ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी जो बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग होता है। बीकानेर एंड जोधपुर का उत्तरी भाग जो होता है ना, उस जंगल प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर पूछे तो ये नागौर वाला जिला आ जाता है। लेकिन ये पूछे कि जंगल प्रदेश की राजधानी, ये जंगल प्रदेश, तो वो आता है बीकानेर और जोधपुर। वापस उन्हें अहिछत्रपुर पूछे तो नागौर आएगा और जांगल प्रदेश पूछे तो बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग आएगा। और सपादलक्ष पूछे तो जांगल प्रदेश के आसपास वाला इलाका सपादलक्ष कहा जाता है। अहिछत्रपुर कहते हैं नागौर को और जांगल प्रदेश अगर पूछें तो बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग होता है, उसको जांगल प्रदेश कहते हैं। और सपादलक्ष जो होता है जंगल प्रदेश के आसपास वाला इलाका, उसको सपादलक्ष कहते हैं। और जंगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर नागौर को कहते हैं प्रेजेंट डे में। जंगल प्रदेश की राजधानी थी जंगल प्रदेश बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को कहते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। और खिजराबाद किसको कहते हैं, मैंने बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब चित्तौड़गढ़ पे विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद, अपने बेटे के नाम पे खिजराबाद रख दिया गया था, तो यह चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। इसके विषय में भी मैं एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। से प्रदेश पूछेंगे तो ये जो है अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र होता है ना, उसको मत्स्य प्रदेश कहते थे। भटनेर, भटनेर तो पता होगा, एक भटनेर दुर्ग भी है, वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। जंगल प्रदेश मैंने आपको बताया कि बीकानेर एंड जोधपुर का उत्तरी भाग को कहते थे। और इसकी जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर।
वही छतरपुर प्रेजेंट डे में नागौर को कहते हैं। और सपादलक्ष जो होता है जंगल प्रदेश के आसपास का जो लैंड होता है, जो जगह होती है, उसको सपादलक्ष कहते हैं। और बांसवाड़ा बांगड़ कहते हैं गरपुर बांसवाड़ा को, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का जो प्रदेश होता है उसको। और मेवल किसको कहते हैं? डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा का मध्य भाग, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो बीच का भाग है उसको तो मेवल कहते हैं। और बांगड़ पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। आई बात समझ में? कांठल या देवलिया जो है वो कहते हैं प्रतापगढ़ को। न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट 2008 में वसुंधरा राजे जब चीफ मिनिस्टर थी तब ये बना था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। भूमट जो होता है मेवाड़ क्षेत्र में, जो भील आबादी वाला क्षेत्र होता है, मेवाड़ के अंदर जो भील आबादी वाला क्षेत्र है उसको स्थानीय भाषा में भूमट कहते हैं। थली जो होता है, थली ये अपना आ जाता है श्री गंगानगर बीकानेर व चूरू का अधिकांश भाग। थली किसको कहते हैं? एंड चूरू का जो भाग है उसको अपन, अधिकांश भाग उसको अपन कहते हैं थली, श्री गंगानगर बीकानेर एंड चूरू। भूमट कहते हैं मेवाड़ में जो भील आबादी वाला क्षेत्र है उसको स्थानीय भाषा में भूमट कहते हैं। ईडर जो है वो गुजरात व मेवाड़ के बीच का भाग। ईडर क्या है? गुजरात एंड मेवाड़ के बीच का भाग, उसको कहते हैं ईडर। शेखावटी जो होता है, शेखावटी प्रदेश, एक नहीं आते काफी सारे आते हैं। अपन शुरू करते हैं नागौर से, चूरू, सीकर और झुंझुनू। झुंझुनू को पता होगा आपको कि तांबा, तांबा कहते हैं। सीकर अर्धचंद्राकार प्याली के समान दिखता है। चूरू और ये नागौर, यदि हम नागौर को हम कहते हैं धातु की नगरी, नागौर को कहते हैं धातु की नगरी और कहते हैं औजारों की नगरी, ठीक है। नागौर को कहते हैं धातु की नगरी और कहते हैं औजारों की नगरी। आई बात समझ में? जो है वो प्रतापगढ़ और झालावाड़ के जो क्षेत्र है ना, मालव जो है प्रतापगढ़ एंड झालावाड़, झालावाड़ के क्षेत्र को कहते हैं। उसी प्रकार से कई सारे हैं जिसमें से एक है खेराड़ व मालखेड़ा। खेराड़ और मालखेड़ा काफ़ी फेमस है। खेराड़ व मालखेराड़ जो है वो भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील, भीलवाड़ा में भी जहाजपुर तहसील है और इसके साथ में टोंक, इसको कहते हैं खेराड़ व मालखेराड़, ठीक है। ये सारे स्थानीय भाषा के नाम हैं। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कि इस डिस्कशन में इतना ही, और कुल मैंने इसमें 5 सवाल पूछे हैं। इनके यदि आपको जवाब आते हों और आपने पूरा वीडियो देखा हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन। और ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी आपके समक्ष।